आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिल्ली पनीर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चिल्ली पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, शिमला मिर्च लिया है, प्याज लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, मिर्च लिया है। तो ये मैंने, देखिए, शिमला मिर्च को मैंने कुछ ऐसे पीसेस में काटा है, ये चौकोर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्याज को मैंने भी ऐसे काटा है, प्याज को काट के मैंने ऐसे खोल दिया है, देखिए ऐसे कुछ करके है। प्याज को काटिए फिर उसको खोल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे मीडियम साइज के प्याज लिया है और ये थोड़े से लहसुन लिया है। यहाँ पर मेरी सारी सामग्री इकट्ठा हो गई है। पनीर में हम थोड़ा से इसमें डालेंगे, ये मैदा है तो मैदा ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा से ही डालना है। और ये थोड़ा से डालेंगे मक्के का आटा। अगर मक्के का आटा आपके पास नहीं है तो थोड़ा से चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा से डालेंगे काश्मीरी मिर्च। अगर काश्मीरी मिर्च भी मौजूद घर में नहीं है तो अगर कलर फ्रूट घर में रहता है तो उसको भी डाल सकते हैं। अब इसको बढ़िया से ऐसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक अभी यहाँ पर नहीं ऐड करना है, हल्का से ही ऐड करना है। तो लीजिए हम बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया प्यारा कलर लग रहा है। बढ़िया हम इसको मिक्स कर चुके हैं। अब इसको एक साइड रख देते हैं। और यहाँ पर हमने जो ये मैदा लिया है इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मक्के का आटा, क्योंकि हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं चिल्ली पनीर, तो इसमें थोड़ा से मैदा का घोल, मक्के का घोल ज़रूरी रहता है। लीजिए अभी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो है ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को बढ़िया से कूट लेते हैं। इतनी सामग्री गैस पे, कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, इसमें ऑयल भी डाल दिया है, तो ऑयल गरम हो चुका है। तो यहाँ हम सबसे पहले थोड़ा सा जीरा का तड़का लगाएंगे, मुझे जीरा का तड़का बहुत पसंद है तो यहाँ पर थोड़ा सा डाल रहे हैं। अब जीरा हमारा तड़क गया है बढ़िया, तो यहाँ पर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमको किसी चीज़ को ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, सभी चीज़ों को हल्का ही लाइट कलर करना। तो यहाँ पर अब हम बढ़िया प्याज डाल रहे हैं, देख रहे हैं आप। प्याज मैंने मीडियम साइज की 2 लिया है, तो सभी चीज़ों को हल्का हल्का बिल्कुल लाइट कलर करना है, क्योंकि चिल्ली पनीर में ज़्यादा गोल्डन बिल्कुल नहीं करना होता है। अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च। यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मसाले आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वैसे चिल्ली पनीर में मसाले बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम कुटी हुई थोड़ी से काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। देखिए जो मसाले में गोल मिर्च रहती है उसका पाउडर थोड़ा से ही हम डाल रहे हैं। इसको हल्का हम लाइट कलर करेंगे सॉफ्ट होने तक। यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और तेल हमारा गर्म हो चुका। तो यहाँ पर हम थोड़ा से पनीर को बढ़िया सॉफ्ट कर लेते हैं।
गैस एकदम धीमा रखना है। इसको बढ़िया हल्का हल्का लाइट कलर करना है। अभी से इतनी अच्छी लग रही देखने में, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रही है। हम इसको हल्का हल्का लाइट कलर करेंगे। हमारी प्याज हल्की हल्की तब तक सॉफ्ट हो रही, मैंने एकदम धीमी आँच यूज़ किया है प्याज का, तो ये बढ़िया से सॉफ्ट हो रही उधर। और इधर हम अपना थोड़ा से इसको लाइट कलर कर लेते हैं पनीर को। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा तेज आँच में नहीं करना है, हल्का धीमा रहे। प्याज हमारी हल्की हल्की बढ़िया सॉफ्ट हो रही है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया। देखिए मैंने एकदम आँच को धीमा रखा है। अगर आप चाहें तो इसमें जो कढ़ाई में सबसे पहले आप पनीर तल लीजिए और फिर उसके बाद में सारी सामग्री डालिए। तो हमको थोड़ा जल्दी थी तो हम अपना अलग अलग कर लिए हैं, दोनों तरफ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो मैं जैसा बता रही हूँ कि आगे पनीर तल लीजिए, फिर उसके बाद में प्याज शिमला मिर्च सब डालिए, तो उससे एक ही कढ़ाई फंसेगी। पनीर हमारी लाइट कलर हो चुकी है, अब इसको हम ऐसे करके तेल गार के ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे सभी को बढ़िया से निकाल लेंगे। थोड़ा तीखा करने के लिए मैं यहाँ एक दो कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ थोड़ी से, तो इससे क्या होगा थोड़ा तीखा हो जाएगा। हमको इसको सिर्फ सब्जियों को सॉफ्ट करनी है और इसको गोल्डन बिल्कुल नहीं करने तक ध्यान रखिएगा। देखिए बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी है। प्याज हमारी बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये मक्के का आटे का मैदे का घोल बना के रखा था, तो इससे क्या होगा बढ़िया बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको थोड़ा चलाना पड़ता है थोड़ा जल्दी जल्दी करके। आपको जितना जूस पसंद हो उतना बढ़िया बना लीजिए एक साथ। अभी इसमें कलर बिल्कुल नहीं आया क्योंकि अभी इसमें हम कुछ नहीं डाला कलर, ना हल्दी ना कलर कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसको हम धीमी धीमी यहाँ से चलाते हुए। पकाएंगे बढ़िया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस। इतना ध्यान रखिए कि सोया सॉस पहले ही ज़्यादा नहीं डालना है, एक चम्मच के करीब डालना है, उसके बाद थोड़ा ज़रूरत लगे तो डाल लीजिएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा से ही डाला है। इसमें जो है सिरका पड़ता है तो थोड़ा से आप इसमें आधा चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं, अगर सिरका नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इसको धीमी आंच से हम लगभग 2 मिनट तक पका लेंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा से सोया सॉस, सॉरी दोस्तों टमाटो सॉस। टमाटो सॉस किसी भी कंपनी का आप डाल सकते हैं, थोड़ा अच्छे कंपनी का डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें हम थोड़ा सा डालें टमाटो सॉस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा क्योंकि इसमें शिमला मिर्च पड़ा है तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, आप जब बनाएंगे तब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने पनीर को तल के बढ़िया रखा था, अब इसको इसमें डाल के ऐसे चला देंगे। ये बहुत टेस्टी बनने वाली है। अगर आप इसको होटल में खाने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, घर में बना लेंगे तो सभी लोग खा लेंगे बढ़िया से। अगर इसमें आपको कलर और बढ़िया लाना है तो थोड़ा सी इसमें काश्मीरी मिर्च थोड़ा से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा से ये घोल हमने बना के रखा था काश्मीरी मिर्च के, यहाँ पर देख सकते हैं अब इसका हम इसमें प्रयोग करेंगे। थोड़ा इसका कलर और बेहतर आ जाएगा तो और देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। अब इसको 2 मिनट तक हम बढ़िया से धीमी आंच से ढक के पकाएंगे। देखिए इसका
जूस बहुत बढ़िया बना है, देखिए गाढ़ा है। चिल्ली पनीर चलिए चेक करते हैं, देखिए बहुत परफेक्ट बनी है, एकदम मस्त लग रही है देखने में भी। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी डालेंगे हरी धनिया, हम आखिरी में आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अगर आप इसमें सिरका का प्रयोग करिए तो आधा चम्मच के बिल्कुल ज़रा से इसमें डालिए, अगर आपको पसंद हो थोड़ा से खट्टा तो डालिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, सिरका थोड़ा से ही डालना है, आधा चम्मच के बराबर, पनीर के हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना थोड़ा सा डाल लीजिए स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए हमारी चिल्ली पनीर बढ़िया रेडी हो चुकी, बहुत टेस्टी हेल्दी भी बनी है, इसमें मैंने कुछ भी मसाला नहीं डाला है, बिल्कुल बिना मसाला के ये बनी है, बहुत टेस्टी है, बच्चों को भी वहाँ पढ़ रहे हैं उनको खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी पूरे घर में खुशबू इसकी फैली हुई है, बहुत टेस्टी भी बनी है ये। तो अब हम गैस को बंद कर दिए हैं, अब इसको बाहर उतार लेते हैं। तो लीजिए चिल्ली पनीर हमारी बढ़िया रेडी हो चुकी है, मैंने बहुत सरल तरीके से बनाया है, जो घर में सामान मौजूद था, बहुत अच्छी बनी, इसका जूस आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत गाढ़ा जूस बना, बहुत अच्छा बना है। तो आप इसी तरह बढ़िया बनाइए घर में ही चिल्ली पनीर, होटल में मत जाइए, घर में बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए, सभी के साथ त्यौहार को बनाइए, बहुत स्पेशल है ये चिल्ली पनीर। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा बनाने के बाद में, खाने के बाद में। थैंक यू दोस्तों।